अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट। आज हमने अपना जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज ऑक्सीडेशन और इंडक्शन रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन भी जिनको बोला जाता है, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि पिछला जो हमने देखा अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसमें कौन से तरह के रिएक्शंस हम लोग स्टडी करते हैं, उन रिएक्शंस के नाम क्या हैं, ठीक है, और वो कितनी तरह से होते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। उसके अलावा वो जो रिएक्शन है उनको हम कितनी बेसिस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो कौन सी बेसिस थी, ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रिएक्शन, ठीक है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस हमने पीछे देखा था इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन, ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। तो आज हमने जो है अपना रिडॉक्स रिएक्शन आगे प्रोसीड करना है, ठीक है, लेकिन उसका सेकेंड कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि ज़्यादातर जो कंप्लीट सारे के सारे रिएक्शंस तो ऐसे नहीं होते जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, ठीक है, तब हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो या गेन हो, हाइड्रोजन लॉस हो या गेन हो, तो हम कहें कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, तो उन रिएक्शंस के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक सेकेंड कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिएक्शन, ठीक हो गया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, उनको कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो जहां पे भी रिडक्शन हो रही होगी वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, ठीक है। इसलिए जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पे आप जहां पे रिडक्शन हो रही थी, नहीं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, ठीक है, वहाँ पे दूसरी तरफ रिडक्शन भी हो रही थी, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसको अटेंड कर लें, ठीक है। और एक बार यहाँ फिर वो आई बटन पे भी होगा, कहीं आप उसको क्लिक करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप वहाँ से अपना लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। तो वो क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहाँ जिस रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है सेम एट द सेम टाइम वहां पे ही क्या हो रही होगी, रिडक्शन भी हो रही होगी, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहां पे रिडक्शन भी हो रही होगी एट द सेम टाइम, ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आज हमने जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है, कि अब जब ऑक्सीजन ऐड होती थी, ठीक है, एक कंसेप्ट वो था कि जब ऑक्सीजन ऐड होती थी तो हम उसको बोलते थे, उस रिएक्शन को बोलते थे दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती थी उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आज, और इसके अलावा जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही होती थी हम उसको रिडक्शन बोलते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही होती थी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन है, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो ऑक्सीडेशन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और एन आयन, ठीक है। जब भी कोई एटम या आयन कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दैट रिएक्शन वुड बी कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और एन आयन, ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन there is an other reaction that is called reduction reaction and both of these reaction takes place simultaneously in a chemical reaction, ठीक है, that we study in electrochemistry, okay। तो यहाँ पे gain of electron by an atom or an ion, उसको हम लोग बोलते हैं reduction, ठीक है, यानी कि gain of electrons। अब हम इनके reactions को देख लेते हैं, ताकि इनकी examples को देख लेते हैं, ताकि हमारे mind में जो है oxidation और reduction in terms of loss or gain of electron जो है वो क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको बिल्कुल जो है वो केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन, ठीक है जी। अब किस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है जिंक की, जिंक एन एक एलिमेंट है, ठीक है, तो जिंक क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देता है, जितने इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस करेगा
उतना उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर वैलेंसी की स्टेट के अंदर, ठीक है, 2+ की फॉर्म में ये आ गया है, ठीक है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई एलिमेंट जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एलिमेंट पे किस फॉर्म में शो होते हैं, दैट इज इन +2 स्टेट, ठीक है। +2 मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, अगर 1 होता तो हम प्लस शो करते, अगर 3 होते इलेक्ट्रॉन लूज, सॉरी फॉर द नॉइस, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते, ठीक है, तो फिर हम +3 यानी कि 3+ जो है इसकी स्टेट वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो आप लोग 4+ शो करते हैं, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने हम एलिमेंट के ऊपर शो कर देते हैं, ठीक है जी। और जब लॉस होगा तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी उस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आपने क्या लगाना है, प्लस चार्ज लगाना है, दैट विल शो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, एटम और आयन, ठीक है जी, ओके। और दूसरी एग्जांपल क्या है, दूसरी एग्जांपल के मैंने एलिमेंट भी बोला, मैंने एटम भी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या होती है कि एलिमेंट का छोटा पार्ट होता है एटम, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके क्या बनाता है, आयन, ठीक है, तो इसलिए मैं तीनों को बोला, ओके जी। उसके बाद है आयरन, आयरन जो है यहाँ पे पहले से ही 2+ स्टेट के अंदर है, ठीक है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही 2+ है, 2+ उसकी पहले से ही जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बनी हुई है, तो जब वो मजीद एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी स्टेट आ जाएगी, एक उस प्लस टू, 2+ के अंदर जो है क्या एक इलेक्ट्रॉन और शुरू हो जाए, ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी स्टेट, +3, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, आयरन 2+ से एक इलेक्ट्रॉन और लूज करने के बाद आयरन 3+ में चेंज हो गया, तो दीज बोथ ऑफ दीज रिएक्शन आर कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ ऑफ दीज रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल आती है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल दी हुई है दैट इज हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन की दी हुई है साथ में उसके 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कौन से स्टेट में है, प्लस की स्टेट में, और ये एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है क्योंकि इसके साथ 2 नंबर्स हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो अब दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है, प्लस चार्ज शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और नेगेटिव चार्ज शो करता है इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है, अबंडेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला, अगर इसको खोल के लिखा जाए तो एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, साथ में 2 लगाया हुआ है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, उन दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, ये किसी ऐसे एलिमेंट को अप्रोच करेगा, ठीक है, या फिर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा जो इसकी कमी को पूरा कर दे, ठीक है जी। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए, यानी मतलब इसको जब अप्रोच करेंगे तो ये उनको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गए हैं और वही इसको चाहिए थे, तो अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से शो नहीं कर सकते क्योंकि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और इसको 2 की ही जरूरत है, इसने 2 ही किए हैं, अगर 3 किए होते हैं ना तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो -1 ऐड कर सकते कि एक इसने एक्स्ट्रा जो है वो अटैच के अपने साथ इलेक्ट्रॉन कर लिया है, लेकिन यहाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत थी, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसने अटेन किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर चार्ज शो नहीं होगा, ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, ठीक होगी बात। उसके बाद है क्लोरीन, आपके पास अगर क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे जब क्लोरीन, और वैसे भी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मतलब स्टेबल है, तो यहाँ पे इसको जब आप लोग आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, तो क्लोरीन को 2 क्लोरीन है, ठीक है, दोनों के अंदर आपको पता है कि क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 17, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल को मैं सिर्फ ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ठीक है, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, ठीक है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो जब इसको अब 2 क्लोरीन है तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ठीक है, या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे एक क्लोरीन को, ठीक है, और दो एलिमेंट जो है वो दो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, या कोई ऐसा एलिमेंट जो क्लोरीन को दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, ठीक है, या फिर कोई अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, तो दोनों क्लोरीन को दे सकता हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब क्या हो गया कि इसके पास आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जो है इसने अपने साथ अटैच कर ली है, ज्यादा अटैच कर ली है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, किसने इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोराइड आइंस की फॉर्म में लिख देते होते हैं, ठीक है, Cl2 Cl2। एक बात ये, एक Cl का मॉलिक्यूल ये, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ गया, मैं इसे ब्लैक से शो कर देती हूँ, एक आउटर मोस्ट शेल मैंने जस्ट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एक आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, मैं इसको ब्लैक से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये एक आउटर मोस्ट शेल है क्लोरीन का, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है, ये एक क्लोरीन, क्योंकि ये दो है ना, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो मैं इस तरह लिखूंगी, ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक क्लोरीन है और एक ये क्लोरीन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन का अगर आउटरमोस्ट शेल ड्रॉ किया जाए तो उसमें क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये क्या किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, यानी कि Cl2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये दोनों आपस में अटैच होके बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे तभी Cl2 बनेगा, ठीक है, यानी कि अब इसका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन के एटम के साथ भी अटैच है, यानी कि वहां पे भी सर्कुलेट कर सकता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है जो एक था, ठीक है, वो अब इसके साथ पेयर अप हो गया, इसका इसके साथ पेयर अप हो गया, इसका इसके साथ पेयर अप हो गया, ये दोनों यहाँ पे भी, ये जो है वो यहाँ पे भी रोटेट कर सकता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भी सर्कुलेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, इस इलेक्ट्रॉन ने इस क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया है और इस क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको इसने पूरा कर दिया है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पूरे हो गए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर दो और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए, ठीक है, तो 8 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि दो और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादती नहीं हुई हुई है ना, इसलिए आपने वहां पे चार्ज शो किया है कि क्लोरीन ने दो और, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन, तो इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन शो कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ठीक हो गया, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हम लोग जो हैं अपने नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल की बात करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल, ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड एक बहुत जो है वो कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, तो वहां पे, और लेकिन वो भी वहाँ उसके अंदर भी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे टर्म इन, जिस तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं थी किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको यू जो है वो डिस्कस किया है रिडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है वो सोडियम क्लोराइड के अंदर भी डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ओके सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन, अगर हम देखें सोडियम, सोडियम को देखा जाए तो अभी ये जो है हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है, एटॉमिक फॉर्म के अंदर है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जब इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, यानी कि इसको कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया, ठीक है, जिसको ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और वो स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन के साथ सोडियम जो है वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है,
तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट कर सकता है। सबसे पहले तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। जब ये ऐसे एलिमेंट के पास आएगा जिसको ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन दे ही क्यों सकता है, ठीक है, इसका आंसर ये है कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर इसका, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 11, इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। तो आपको, आपने ये बात पढ़ी हुई है, जिस भी एटम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है, और जिनके 4, 5, 6, 7 हों तो वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो यहाँ पे इसलिए सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा किसी ऐसे एलिमेंट के इन टच आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिलीज कर देगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस प्लस वन। वन ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, तो हम ज़्यादातर इसके ऊपर प्लस साइन ही शो करते हैं। तो यहाँ पे आ गया प्लस साइन, और ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी तरह से क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है, ठीक है, उसको क्लोरीन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 1, तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा है वो इसने गेन कर लिया, ठीक है। जब इसने गेन कर लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ठीक है, तो उससे उसको हम लोग शो करते हैं नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। अब ओवरऑल अगर इनका रिएक्शन देखा जाए किस तरह से होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन, इन दोनों ने जब रिएक्शन करना है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, इसने गेन कर लेना है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस एंड क्लोराइड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं, ओवरऑल हमारे पास जो कंपाउंड बनता है न्यूट्रल बनता है, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है, तभी तो हम उसको खा सकते हैं, अदरवाइज अगर वो एसिडिक होता यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, या बेसिक होता यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता, तो फिर हम उसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो सोडियम क्लोराइड बना, दैट इज़ न्यूट्रल कंपाउंड, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, और क्लोरीन ने क्या बना दिया, क्लोरीन ने क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है, दोनों में बन गया आयनिक बॉन्ड, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यानी कि जो चार्जेस होते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, जब वो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड बनेगा दैट इज, दैट विल बी न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो सोडियम है उसकी क्या हुई है, सोडियम की क्या हुई है इस रिएक्शन के अंदर, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, यानी कि इसने क्या कर दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइड की क्या हुई है, रिडक्शन, क्योंकि इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज इनको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि किसी को भी जो है ना वो इशू ना हो स्टडी के अंदर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है दुआओं में याद रखें, और बिल्कुल अपने सजेशंस मुझे आप दें, ठीक है, और लेक्चर्स के हवाले से कोई इशू है डिस्कस करें मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है, मैं ज़रूर उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है जी। और बिल्कुल मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ भी जो है वो डालती हूँ अपने चैनल के ऊपर, यहाँ पे आप उनको भी जो है वो वॉच आउट करें, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, और बिल्कुल आप ज़रूर लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोगों को मेरी एफर्ट पसंद आई है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।